हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा, और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मायसेल्फ हिमांशु व्यास, आज मैं फिर से आपके बीच में हमारा जो दिव्यास्त्र सीरीज चल रही है उसका एक टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसका आज का टॉपिक रहेगा राज्यसभा। देखिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं। हमने बात की कि संसद तीन भागों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, संसद अनुच्छेद 79 में था, नेक्स्ट आ जाएगा आपका लोकसभा 81 में था, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में था और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यसभा। इसके बारे में हम कट टू कट विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, परंतु एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नॉलेजेबल वीडियो हम आपको पेश करते रहे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है राज्यसभा। अब आप जानते हैं इसका जो अनुच्छेद है कौन सा रहेगा, अनुच्छेद आप खुद बता दीजिए, अभी जस्ट बताया और पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी, कौन सा रहेगा, अनुच्छेद 80। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आप जानते हो कि राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन। क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, उच्च सदन या फिर राज्यों का सदन। ठीक है जी, तो अनुच्छेद 80 उच्च सदन और राज्यों का सदन। अब हम इसके गठन के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, ध्यान देना प्यारे स्टूडेंट्स, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या पूछे तो टोटल कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 250। कितनी रहेगी, 250, जिसमें से मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बता देता हूं, 238 + 12 = 12। 250 हाईएस्ट कुल, तो 250 में से 238 जो है वो आपके राज्यों से या आपके केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 12 है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत। क्लियर, ये कुल सदस्य संख्या की बात कर रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन आपसे पूछने की वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या, वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या पूछे तो यहां से 5 कम कर दीजिएगा, 245 रहेगी वर्तमान में, टोटल 250 वर्तमान में 245, और इसका जो डिवाइडेशन रहेगा वो कितना रहेगा, देखिए यहां पे निकालने का तरीका भी बता देता हूं मैं आपको, यहां पे 12 कर दीजिए और बाकी माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 230, 3 × 2 = 5 और 3 × 1 = 4, 233 और 12 आपका रहेगा। तो सेम चीज रहेगी, 233 क्या होगा, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित, और 12 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके मनोनीत। तो आई होप कि प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आया होगा, टोटल 250 और वर्तमान में अगर पूछे तो 245, और ये इसका डिवाइडेशन था। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए
देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, राज्यसभा का चुनाव लड़ने की आयु कितनी रहेगी। मैं आपको बता दूं ये रहेगी 30 वर्ष, यानी कि आप यदि 30 साल के हो तो आप राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कैपेबल हो। मैं आपको बता दूं लोकसभा में कितना था, रिवाइज करिए, 25 वर्ष, यहां पे 5 वर्ष ज्यादा। नेक्स्ट देखेंगे कि राज्यसभा का कोरम कितना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कोरम के बारे में कंप्लीट जानकारी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता दिया था, और मैंने कहा था कि राज्यसभा का भी कोरम कितना रहता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, यानी यहां पे कुल सदस्य संख्या कितनी है 245, इसका 1/10 भाग मतलब कितना आएगा, लगभग 24.5, यानी कि राउंड फिगर में आप कितने मानते हैं, 25 सदस्य, यानी राज्यसभा के अंदर यदि 25 सदस्य होंगे तो कार्रवाई राज्यसभा की शुरू होगी, और अगर इतने नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी, शुरू नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना यहां पे थोड़ा सा। देखिए निर्वाचन जो इसका होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, आपको मैंने बता दिया था ये जो दो टर्म है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जहां भी आए इसका मतलब जनता द्वारा चुनाव होता है वो चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं, जो राज्य की विधानसभाएं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या मैं आपको कह दूं कि विधानसभा से कौन आते हैं, विधायक, इन शॉर्ट में मैं आपको क्या बता दूं, विधायकों द्वारा, या हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एमएलए द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना कि राजस्थान के 10 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य नॉमिनेट हो सकते हैं या चुनाव हो सकता है, 10, तो राजस्थान के 10 राज्यसभा सदस्य का चुनाव कौन करेगा, इनका चुनाव कौन करेगा, आप खुद बताइए, पढ़िए कॉन्सेप्ट कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, शॉर्ट में याद रखिएगा, उस राज्य के विधायक करेंगे। तो यहां पे हमारे राजस्थान में टोटल राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, तो राजस्थान में विधायक कितने, टोटल 200 है, तो ये 200 मिलके इनका चुनाव करेंगे। तो राजस्थान के 10 राज्यसभा सदस्य का चुनाव राजस्थान के 200 विधायक करेंगे, राजस्थान के 200 विधायक करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, चलिएगा देखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। देखिए अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा का कार्यकाल, और एक मैंने नीचे लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा झमेला है यहां पे, तो इसको क्लियर करिएगा। अभी राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आपको पता है या पता होना चाहिए कि ये स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है स्थायी सदन है। लेकिन आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के संदर्भ में आपको पता है कितना था, 5 वर्ष। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के आप जरूर लिख दीजिएगा, नोट लगा के आप जरूर लिख दीजिएगा कि प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, कितने, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिनकी जगह नए सदस्यों का क्या हो जाएगा, फिर से चुनाव। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया, चलिए अब हम एक लास्ट पॉइंट और देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं, राज्य
सभा का सभापति, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, आपको इसको जरूर याद करना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। अभी तुरंत याद कर लीजिएगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही इस राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अपन ने देखा था ना लोकसभा में क्या होता है, जो भाई पार्टी जीती है उसमें से कोई एक तो क्या बना देते हैं लोकसभा का अध्यक्ष के दे या स्पीकर के दे, और किसी एक को क्या बना देते हैं उसका उपाध्यक्ष। परंतु यहां पर ऐसा कतई नहीं है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो सीधे कौन होंगे, राज्यसभा का सभापति होंगे। लेकिन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को, अब जो बच्चे हैं उनमें से किसी एक को क्या बनाएंगे आपके उपसभापति निर्वाचित करते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो सभापति है वो तो फिक्स रहेंगे भारत के उपराष्ट्रपति, लेकिन उपसभापति का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के अपने सदस्यों में से ही। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एनी डाउट? चलिए तो मुझे बताइएगा आप लोग कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, कमेंट करिएगा नीचे जल्दी से। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, सीधी सी बात, सभापति आ गया मतलब कहां जाना है, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये हमारे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो एक टॉपिक था हमने और यहाँ पे समाप्त कर दिया है। बस आपसे एक अपील है कि देखिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे माँ सरस्वती धाम क्लासेस आपके लिए, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग टॉपिकों पर ये दिव्यास्त्र सीरीज लाता रहेगा। अभी जो हमने दिव्यास्त्र सीरीज के जो दो हमने टॉपिक किए हैं वो पॉलिटी सब्जेक्ट्स हैं, और भी आपको कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के IAS, RAS, STC, PTET और REET है ना, RPSC फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड में विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इनको आप कट टू कट पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।